खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद से मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर, मरकजी नाज़िम आला सेनेटर डॉक्टर अब्दुल करीम, नाज़िम सियासी अमूर चौधरी काशिफ नवाज रंधावा, सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी, सैयद सप्तैन शाह नकवी ने 16 अक्टूबर को धोबी घाट ग्राउंड में होने वाले जलसे आम की तैयारियों के सिलसिले में मरकजी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद डिवीज़न के जिम्मेदारान के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुल्क कौम को इक्तसादी मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। अगर हम मैदान अमल में ना निकले तो फिर हमें हालात इससे भी हमें संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। 16 अक्टूबर को धोबी घाट ग्राउंड में जमा होकर हम अपने सियासी मजहबी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा करेंगे। इजलास से खिताब करते हुए हाफिज शफीक काशिफ, प्रोफेसर नजीबुल्ला तारिक कारी, मोहम्मद अरशद, साबक MNA मियां अब्दुल मनान कारी बशीर अहमद अजीजी, ज़िली तर्जमान खालिद महमूद आजमाबादी ने खिताब किया। तकरीब में शेख सलीम और रहमान, असलम जट, हाफिज मोहसन हमीद, अबू हुरैरा सल्फी, मौलाना अनस मदनी, मौलाना उमर फरूक अरशद, हाफिज नौमान तुर और दीगर डिवीजनल बर के जिम्मेदारान अहदेदारान मौजूद थे।